बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर हमारा एरेस और स्ट्रिंग्स पे था। एरे क्या है, एरे के एलिमेंट्स किस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं और एरे को डिक्लेयर करने का क्या मेथड है, किसी भी एरे को इनिशियलाइज हम किस तरह कर सकते हैं। फिर हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या है, एरे के स्ट्रक्चर, और फिर हमने स्ट्रिंग को देखा था कि स्ट्रिंग किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्या है, एरेज ऑफ स्ट्रिंग क्या है। हमने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू एरे और स्ट्रिंग को स्टडी किया था। आज का लेक्चर हमारा सर्चिंग के ऊपर है। सर्चिंग क्या है उसको हम देखते हैं। बेसिकली सर्च किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हैं या अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हैं, हम उनको किसी एलिमेंट को किसी खास पोजीशन पे जो पड़ा है उसको हम सर्च करना चाहें तो हम सर्च कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा सर्चिंग पे ही है। फिर सर्च जो है वो एक्सटर्नल सर्च भी हो सकती है और इंटरनल सर्च भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ सर्चिंग, दो टाइप्स ऑफ सर्चिंग को हम स्टडी करेंगे। एक है लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च, दूसरी है बाइनरी सर्च। एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च हम उसमें देखेंगे उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या एल्गोरिदम्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लीनियर सर्च करेंगे। और सेकंड बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम, उसके स्टेप, उसके प्रोसेसेस को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर्स के अंदर जब भी डाटा स्टोरेज करते हैं तो उसको हम उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, उसको फर्दर प्रोसेस करना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के अंदर देखने पड़ते हैं। सम टाइम वी आर गिवन ए नेम एंड आर आस्क फॉर एन एसोसिएटेड टेलीफोन लिस्टिंग। तो सम टाइम हमें एक नाम दे दिया जाता है कि ये नेम है और इसको सर्च करें एक पूरी टेलीफोन लिस्टिंग के अंदर, तो हम पूरी उस लिस्ट में फ्रॉम द फर्स्ट नेम हम सर्च करते जाते हैं और टिल लास्ट जब तक हमें एलिमेंट या वो नेम मिल नहीं जाता। सम टाइम हमें ये क्वेश्चन होता है कि वी आर गिवन एन अकाउंट नंबर एंड आर आस्क्ड फॉर द ट्रांजैक्शन अकरिंग ऑन दैट अकाउंट। तो सम टाइम हमें ये हमारा क्वेश्चन होता है कि एक अकाउंट नंबर है, इसके अगेंस्ट कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, सो वो हमें चेक करना पड़ता है कि अगेंस्ट दिस अकाउंट कितनी ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली वी आर गिवन एन एम्प्लॉय नेम आर नंबर एंड आर आस्क फॉर द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो हमें सम टाइम एम्प्लॉय नेम या कोई उसकी एम्प्लॉय आईडी दे दी जाती है और उसका कोई रिकॉर्ड हमें सर्च करना हो तो वो हमें इस तरह की क्वेरीज हो सकती हैं। सो देर आर नंबर ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर होती हैं जो डाटा या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से रिलेटेड होती हैं। अगर मैन्युअली हम इन चीज़ों को करना चाहें, अगर एक लिस्ट में से नाम सर्च करना है तो उसको हम वन बाय वन पूरी लिस्ट को देखेंगे और उसमें नाम उसका फाइंड कर लें। इसी तरीके से किसी अकाउंट के अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन है उसको फाइंड करना वो भी एक मुश्किल टास्क है, और अगर हमें किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फाइंड करना है, अगर कोई मैनुअल रजिस्टर है उसमें फाइंड करना है, देन डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क होगा। सर्चिंग इज ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स। अगर हमारे पास सर्चिंग का प्रोसेस क्या है कि हमारे पास अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर
उसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो हम उसको चेक करना, उसको फाइंड करना, इस प्रोसेस को सर्चिंग कहते हैं. इफ वी वांट टू सर्च आर वांट टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल डाटा इन ए, कोई एक एरे है उसमें हम कोई डाटा फाइंड करना चाहते हैं, देन वी हैव टू सर्च फॉर इट. हमारे पास कोई लिस्ट है, उसमें कोई हम डाटा, स्पेसिफिक डाटा है, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? हम उसको सर्च करेंगे, वन बाय वन एलिमेंट को चेक करेंगे, देन हम उस एलिमेंट को, अगर वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो फाइंड कर लेंगे. द सर्च इज सक्सेसफुल इफ डाटा डज अपियर इन ए एंड अनसक्सेसफुल अदरवाइज. तो अगर हम किसी भी लिस्ट में कोई डाटा सर्च करते हैं और हमें उस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे मिल जाता है, तो देन हम इस सर्च को सक्सेसफुल कहेंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास वो डाटा, वो एलिमेंट जिसको हम उस लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हैं, वो हमें उसमें से नहीं मिलता, तो वो हमारी सर्च अनसक्सेसफुल हो जाएगी. ए क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज आस्क when selecting a search algorithm is how fast does the search have to be. तो searching का process तो हमने देख लिया, हम check करते हैं list के element को one by one करके, और वो किसी भी position पे हमें मिल सकता है अगर वो list के अंदर exist करता है. तो हम searching का process जब भी start करते हैं, तो हमें एक question हमारा mind में आता है कि हाउ फास्ट डज दी सर्च हैव टू बी, कि कितनी जल्दी से हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा, कितनी क्विकली हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेंगे जिसको हम सर्च कर रहे हैं. द रीजन इज दैट इन जनरल द फास्टर द एल्गोरिदम इज द मोर कॉम्प्लेक्स इट इज. तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी एक एल्गोरिदम जो बहुत फास्ट काम करेगा, तो मे बी वो कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, बॉटम लाइन, यू डोंट ऑलवेज नीड टू यूज आर शुड यूज द फास्टेस्ट एल्गोरिदम. तो मे बी समटाइम आपको किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए फास्टेस्ट एल्गोरिदम की जरूरत नहीं होती, बिकॉज समटाइम हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारा टारगेट सम टाइम होता है हम उस एलिमेंट को सर्च कर लें. अब ये है कि हम उसको ज़्यादा टाइम में सर्च करते हैं, कम टाइम में सर्च करते हैं, एल्गोरिदम कितने टाइम में उसको और कितने स्पेस उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी है, कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं. तो ओवरऑल हम देखें कि सर्चिंग का बेसिकली प्रोसेस क्या है, कि वो चेकिंग करता है पूरी लिस्ट में से, अगर एलिमेंट उसको उस लिस्ट में से मिल जाता है, देन एलिमेंट फाइंड हो जाता है एंड हम कहेंगे कि सर्च इज सक्सेसफुल, अदरवाइज हम कहेंगे कि सर्च इज अनसक्सेसफुल. कि इन दिस एग्जांपल वी आर गिवन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हम की कहते हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि किसी भी लिस्ट के अंदर या किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से एक की एलिमेंट का होना जरूरी है. वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए रिकॉर्ड दैट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द की. तो समटाइम हमें इस तरह की क्वेश्चंस या क्यूरीज करनी पड़ती हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि इस चीज से रिलेटेड या इस की से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन चाहिए. वी शैल अलाउ बोथ द पॉसिबिलिटीज दैट देयर इज मोर देन वन रिकॉर्ड विद द सेम की. तो समटाइम ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि एक ही की से रिलेटेड बहुत से रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, एंड देयर इज नो रिकॉर्ड
with the given key. तो ऐसा भी possible है कि जो जिस key के through हम search करना चाह रहे हैं उसके against कोई record नहीं होगा. तो हमारे पास key जो है वो एक ऐसी piece of information है जिससे related हम बाकी information को retrieve कर सकते हैं. For example, records and their key के हवाले से हम एक manual example लेते हैं कि हम sometime key को किस तरीके से use कर रहे होते हैं. हमारे पास बहुत सारे record है, files पड़ी हुई हैं और हर एक में हर person के हवाले से कुछ related information उसमें पड़ी हुई हैं. For example, John's क्या है, Smith क्या है, Robert's क्या है, तो इनका data इसके अंदर पड़ा हुआ है, इनसे related information पड़ी हुई है. जब हमें कोई record किसी भी person का specific चाहिए हो, तो rather than कि हम हर एक file को search करते हुए हम सारे records को search करें और फिर जो related information है उसको get करें, हम key के through उन records को search करते हैं. For example, अगर हमने Johnson का record search करना है, तो rather than हम Jones, Smith और इन सारों का search करते हुए, इन सारों की files को explore करते हुए इस record तक पहुँचे, हम directly इसी की value को pick करेंगे, इस file को, and then उसमें जो related information है, उसको get कर लेंगे. Otherwise, हमें पूरा record, पूरी files, सारों को search करके, फिर then वो मिलेगा, इसमें time wasting होगी. Similarly, नेक्स्ट कोई हमारी कोई क्वेरी होती है, देन हमें किसी और का रिकॉर्ड सर्च करना हो, फॉर एग्जांपल जैक्सन का, देन हमें अगेन सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करते हुए इस पे आएंगे. मे बी सम टाइम फाइल स्टार्ट पे हो, जॉन्स का रिकॉर्ड यहां पे भी मिल जाए, बट मे बी सम टाइम लास्ट पे किसी का रिकॉर्ड हो, तो हमें सारे रिकॉर्ड ऑल द टाइम जब भी हमें किसी एक का रिकॉर्ड सर्च करना हो, हमें सारी फाइल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो की एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम मैनुअल सिस्टम में भी की के थ्रू रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं. सो जिस पर्सन का रिकॉर्ड फाइंड करना है, हम उसकी के थ्रू उस नेम से उसकी रिलेटेड फाइल को गेट कर लेते हैं और फिर जो इंफॉर्मेशन या जो रिकॉर्ड हमें उसका चाहिए, देन हम उसको एक्सेस कर लेते हैं. सर्चिंग फॉर द कीज दैट लोकेट रिकॉर्ड्स इज ऑफन द मोस्ट time consuming action in a program. तो जिस तरह हमने manual example देखी कि records में searching एक time consuming activity होगी, similarly अगर हम यही काम programs में करें, वहाँ पे अगर हम list of elements बना दें और उसमें किसी एक record को search करना हो, तो हम without key हम सारे record को search करके then the relevant जो record हमें चाहिए उस तक access करें, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और हर दफा हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी. तो देयरफॉर द वे रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड एंड द चॉइस ऑफ मेथड यूज्ड फॉर सर्चिंग कैन मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द प्रोग्राम परफॉर्मेंस. तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को जिस तरीके से अरेंज करेंगे, जिस मेथड से सर्चिंग करेंगे, वो डेफिनेटली किसी भी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा. अगर हम अच्छा मेथड यूज करेंगे, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे डाटा को और उसको सर्च करने के लिए एक अच्छा मेथड यूज करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी. अदरवाइज हमारा प्रोग्राम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा. फॉर दिस रीजन वी शुड चेक दैट हाउ मच वर्क इज डन बाय ईच ऑफ द एल्गोरिदम वही डेवलप. तो इसलिए हम फिर चेक करेंगे कि हमने जो एल्गोरिदम इस पर्पस के लिए डेवलप किए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. वी शैल फाइंड दैट काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वन की इज कंपेयर्ड विद एन अदर गिव्स अस एन एक्सीलेंट मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. तो इस तरह हम अमाउंट ऑफ वर्क किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एक की वैल्यू को लेंगे, उसको हम चेक करेंगे उसके रिकॉर्ड के साथ, उसको मैच करेंगे
जितनी वैल्यूज को वो मैच करेगा, जिसको मैच कर जाएगा एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट वो रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दे देगा. तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम इसी तरीके से कैलकुलेट भी कर सकेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारी की वैल्यू है और जो लिस्ट आइटम है जिनके साथ हम उसको कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कितने कंपैरिजंस के बाद हमें वो वैल्यूज मिली. तो द एल्गोरिदम विल डू एंड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर टाइम इट विल रिक्वायर व्हेन इट इज रन. तो कितने उसको कंपैरिजन करने पड़ेंगे एंड देन कितना कंप्यूटर उसके लिए टाइम एक्वायर करेगा उसको रन करने के लिए. सो सर्चिंग जो है थ्रू की एक इम्पॉर्टेंट वो है कि हम उस की के थ्रू किसी भी लिस्ट के अंदर उन एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं और फिर उसके रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड है उसको रिट्रीव कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्चिंग की. द सर्चिंग प्रॉब्लम्स फॉल नेचुरली इनटू टू केसेस. सर्चिंग किसी भी एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट उसमें सर्चिंग करनी है, उसके दो प्रॉब्लम्स नॉर्मली अकर होते हैं, एक एक्सटर्नल सर्चिंग और दूसरा है इंटरनल सर्चिंग. एक्सटर्नल सर्चिंग क्या है? इफ देयर आर मेनी रिकॉर्ड्स परहैप्स ईच वन क्वाइट लार्ज, कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं तो और हैं भी उनका साइज भी ज्यादा है, देन इट विल बी नेसेसरी टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इन फाइल ऑन डिस्क. तो अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड ज्यादा है, वॉल्यूम उसका ज्यादा है, तो देन हम उसको रैम में उसको नहीं रख सकते, देन उसको हम स्टोर करेंगे फाइल्स को डिस्क को के ऊपर. तो वो जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम फिर डिस्क या कोई टेप या कोई एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर. तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सर्चिंग क्या है कि एक्सटर्नल सर्चिंग में हमने देखा कि कोई भी हमारा डाटा जो रैम से ज्यादा साइज का है उसको हम स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल मेमोरी के ऊपर, जैसे हार्ड डिस्क है, टेप ड्राइव है या कोई और एक्सटर्नल मेमोरी. तो उसमें हम सर्च करना हमारा एक्सटर्नल सर्चिंग है. वहां पे भी हम फाइल्स को एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, तो वो हमारी एक्सटर्नल सर्चिंग है. इंटरनल सर्चिंग क्या है? इन दिस केस रिकॉर्ड्स टू बी सर्च्ड आर स्टोर्ड इंटायरली विद इन द कंप्यूटर मेमोरी. तो इंटरनल सर्चिंग में हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इंटायरली रैम के अंदर होते हैं, रैम के अंदर उनकी मैनिपुलेशन हो रही होती है, उन्हीं के अंदर सर्च हो रहा है, वहीं पे हमें सारी मैनिपुलेशंस मिल रही होती हैं. सो जो सर्चिंग है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों से हो सकती है. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सर्चिंग की. हमारे पास दो टाइप्स हैं सर्चिंग की. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक. वन इज लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग एंड अदर इज बाइनरी सर्चिंग. लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग क्या है? इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज रेड वन बाय वन सीक्वेंशली. अब लीनियर सर्च में क्या है कि हर एलिमेंट जो एरे का है उसका हर एलिमेंट वन बाय वन रीड आउट होगा. ओके, इट इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड एलिमेंट. अब हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है उसके साथ हर एलिमेंट कंपेयर होगा. ए सर्च विल बी सक्सेसफुल इफ द एलिमेंट इज फाउंड इन द लिस्ट. तो अगर हमारी सक्सेसफुल की सूरत में होगी, अगर हमारे वो लिस्ट में उसे मिल जाता है. ए सर्च विल बी अनसक्सेसफुल इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रेड एंड द डिजायर्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड. तो अनसक्सेसफुल कब होगी? जब वो पूरी लिस्ट के साथ उसकी वैल्यू को कंपेयर करता जाएगा और लास्ट एलिमेंट तक उसे वो एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको वो सर्च कर रहा था. तो इस सूरत में हमारी लीनियर सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी.
सो लीनियर सर्च में क्या होता है, और सिक्वेंशियल सर्च के हर एलिमेंट लिस्ट का सिक्वेंशली सर्च होता है, वन बाय वन उसको की वैल्यू के साथ मैच करता है। तो अगर सर्च सक्सेसफुल उस सूरत में होती है जब उसको सक्सेस वो सर्च मिल जाएगा, उसमें वो एलिमेंट फाइंड कर लेगा तो सक्सेसफुल होगी। अगर उस लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और ये सर्च पूरी लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करता है तो नहीं मिलता, देन हमारी ये सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल होगी। अब हम बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्च ऑन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिक्वेंशियल सर्च हम ऑर्डर्ड लिस्ट पे भी कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे भी कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। इन दिस केस वी हैव एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स। तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। वी चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट सिक्वेंशियली एंड इट इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड एलिमेंट। तो हम हर एलिमेंट को सिक्वेंशियली करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं देन डिजायर्ड एलिमेंट जिसको हम लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हैं। इसका एल्गोरिदम क्या होगा हम देखते हैं एल्गोरिदम के स्टेप्स कि अगर हम सिक्वेंशियल सर्च करना चाहते हैं किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। सबसे पहला स्टेप, गेट द सर्च क्राइटेरियन द की। सबसे पहले हम की फाइंड करेंगे कि हम जिसके थ्रू उस एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट को सर्च करेंगे। गेट द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल। तो हम फाइल में से फर्स्ट रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। फाइल रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू की। तो अब इसमें हम फाइल की लूप लगाएंगे कि फर्स्ट रिकॉर्ड से हम सर्च करना शुरू करेंगे और लास्ट रिकॉर्ड तक हम उसको चेक करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू की, जब तक की मिल नहीं जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। और सेकंड कंडीशन, एंड स्टिल मोर रिकॉर्ड, मींस अगर लिस्ट के अंदर और रिकॉर्ड भी हैं और अभी की के इक्वल कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये लूप चलता रहेगा। एंड गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो ये लूप चलता रहेगा और नेक्स्ट रिकॉर्ड गेट करता रहेगा। व्हाइल लूप एंड कब होगा, जब रिकॉर्ड इक्वल टू की उसे मिल जाएगा या जो लिस्ट है वो उसमें और रिकॉर्ड नहीं होंगे, यानी कि लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट एलिमेंट तक हमने लिस्ट में एलिमेंट को सर्च कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये व्हाइल लूप यहां पे एलिमेंट को की के थ्रू सर्च करता जाएगा। इफ रिकॉर्ड इक्वल टू की, अब जब इसमें से कोई कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी देन ये ब्रेक हो जाएगा, फिर चेक करेगा इफ रिकॉर्ड इक्वल टू की। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें की के इक्वल कोई रिकॉर्ड मिल जाए, और ये भी है कि हम सारे रिकॉर्ड को सर्च कर लें और की ना मिले। दोनों सूटों में हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि इफ रिकॉर्ड इक्वल टू की देन सक्सेस। तो हम उस रिकॉर्ड में की के इक्वल जो हमारे वैल्यूज मिल गई हैं तो हमारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। एल्स देयर इज नो मैच इन दी फाइल। तो अदरवाइज हम ये कह देंगे कि फाइल में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है तो सर्च हमारी अनसक्सेसफुल होगी, और ये एल्स कंडीशन हमारी यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो सिक्वेंशियल सर्च हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर अप्लाई की, उसका एल्गोरिदम के स्टेप्स देखे कि किस तरीके से सिक्वेंशियल सर्च इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और हम की एलिमेंट अगर हमें मिल जाता है तो हमारे पास सक्सेस हो जाएगी और नहीं मिलता तो अनसक्सेस होगी। अब हम देखते हैं कि सिक्वेंशियल सर्च ऑन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। पिछली स्लाइड में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखा था सिक्वेंशियल सर्च, यहां पे अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट में सर्च करते हैं।
So in this case, we have an ordered list of items or elements. Okay, we check each and every element in the list sequentially, and it is compared with the desired element. अब यहाँ पे हम उसी तरीके से key element लेंगे, हम check करेंगे list में हर key element को sequentially. अब यहाँ पे हमारे पास ordered list है, तो इसका algorithm के steps क्या होंगे? Get the search criterion key. सबसे पहले हम key value देंगे, key कोई सर्च करेंगे कि जिसके बेसिस पे हम उस लिस्ट में फाइंड करेंगे. ओके, देन गेट द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल. तो फर्स्ट रिकॉर्ड हम फाइल का लेंगे और की को उसके साथ मैच करेंगे. अब यहां पे हम देखेंगे व्हाइल रिकॉर्ड लेस देन की, बिकॉज हमारे पास ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाइल रिकॉर्ड जब तक लेस देन की है एंड स्टिल मोर रिकॉर्ड्स गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड. अब हमारे पास चूंकि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, उसमें एल्गोरिदम हमने जो बनाया था उसमें हमने व्हाइल का जो लूप लगाया था नॉट इक्वल टू की, हमारा जो रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू की है उस टाइम तक हमने इस कंडीशन को चलाना है. बट यूं यहां पे हमारे पास चूंकि एलिमेंट्स ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हैं, तो हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिकॉर्ड लेस देन की एंड स्टिल मोर रिकॉर्ड्स तो गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, और एंड व्हाइल जो लूप है उसको एंड कर देगा. तो हमारे इसमें से दोनों कंडीशंस के लेस देन है तब तक ये चलता रहेगा, या जितनी देर तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा. ओके, देन अगेन इफ की कंडीशन, अगर ये लूप ब्रेक होता है तो देन चेक करेगा इफ रिकॉर्ड इक्वल टू की. अगर रिकॉर्ड की के इक्वल आ जाता है देन सक्सेस होगी, मींस जो हमने एलिमेंट लिस्ट में फाइंड कर रहे थे वो हमें उस लिस्ट में मिल गया है. एल्स देयर इज नो मैच इन द फाइल. तो हम दूसरी सूरत में ये कहेंगे कि फाइल में या उस लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. सो हमने अभी सिक्वेंशियल सर्च अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी देखी और ऑर्डर्ड लिस्ट में भी देखी कि उसके एल्गोरिदम स्टेप्स क्या हैं. अब हम बात करेंगे एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च, कि लीनियर सर्च के लिए हम क्या एल्गोरिदम बनाएंगे. लेट ए बी एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स A1, A2, A3, up to AN. Data is the element to be searched. हमारे पास एक array है जिसको हम A1 से लेके AN elements हैं, और data जो है वो element जिसको हमने search करना है उस A1 से लेके AN तक के elements में. Then the algorithm will find the location LOC of data in A. सेट एल ओ सी इज इक्वल टू -1. तो शुरू में हम इसको -1 दे देंगे लोकेशन इफ द सर्च इज अनसक्सेसफुल. तो अगर हमारे पास लोकेशन -1 है, शुरू में हमारे पास कोई एलिमेंट उस पोजिशन पे नहीं है. ओके, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनपुट एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स एंड डेटा टू बी सर्च्ड एंड इनिशलाइज LOC एज -1. तो LOC को हम -1 कर देंगे, और डाटा जिसको हमने सर्च करना है और लिस्ट ऑफ एरे जो है वो हमारी n एलिमेंट्स की है. ओके, देन हम इनिशलाइज करेंगे I इज इक्वल टू 0 एंड रिपीट थ्रू स्टेप 3 इफ I इज लेस देन n. तो हम इसमें स्टेप 3 तक इसको रिपीट करते जाएंगे उस वक्त तक जब I इज लेस देन n हमारी कंडीशन रहेगी. लास्ट एरे तक हम हर एलिमेंट का लास्ट जो एरे का लास्ट एलिमेंट है उसको हम उस टाइम तक सर्च करेंगे.
by incrementing I by 1. तो हम पहले first element को array का search करेंगे, फिर array का second element search करेंगे, फिर then array का third element 1 by 1 increment करने के बाद. If data is equal to A of I, LOC is equal to I. हमारे पास अगर data A of I किस position पे है, maybe 0 position पे है, 1, 2, 3, किसी भी position पे अगर है, तो उसकी जिस position पे आएगा, उसकी location हम देखेंगे कि 0 position पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, and then go to step 4. तो फिर step 4 पे चला जाएगा. Step 4 क्या है? कि if LOC greater than 0, अब हम देखेंगे कि हमारी जो location है LOC जो हमने minus 1 से initialize कराई थी, अगर ये positive आ रही है, means कि array का कोई index represent कर रही है, तो then हम इसको display करा देंगे. Data is found and searching is successful. तो हमें वो data मिल जाएगा, array के जिस index पे भी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब greater than 0 हैं, positive values हैं, तो हमारा search successful हो जाएगी. Else, display data is not found and searching is unsuccessful. तो दूसरी सूरत में हम ये करेंगे कि data नहीं मिला, हमने इस पूरे array के अंदर हर element को search किया and data not found, तो exit कर जाएगा. इस स्लाइड में हमने देखा कि हम लीनियर सर्च के लिए एल्गोरिथम के क्या स्टेप्स बना सकते हैं. कि हमने एक एरे ली, एरे A1 से लेके AN एलिमेंट्स हैं, उसमें हम हर एलिमेंट को सर्च करके उसमें की एलिमेंट या की वैल्यू से उसको कंपेयर करेंगे. तो अगर उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, टिल लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे. तो इसके लिए हमने लूप लगाया, आई इज इक्वल टू 0 से स्टेप 3 करते जाएंगे जब आई इज लेस देन और लेस देन n, तो लास्ट एलिमेंट से तक हम इसको रन करेंगे. तो अगर डाटा इज इक्वल टू a ऑफ i, किसी भी इंडेक्स एरे की पोजीशन के ऊपर है, तो उस पोजीशन को एक तो शो कर दे, लोकेशन हमें बता दे कि i किस एरे की पोजीशन के ऊपर है, किस इंडेक्स के ऊपर है, एंड देन फिर अगर पॉजिटिव है लोकेशन तो हमें मैसेज दे दे कि हम जो सर्च है सक्सेसफुल है, एलिमेंट जो रिक्वायर्ड टारगेट एलिमेंट था वो एरे में से सर्च हो गया, अदरवाइज सर्च अनसक्सेसफुल है. सीक्वेंशियल सर्च ऑफ ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड लिस्ट. लेट्स डू ए कंपैरिजन, हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में किस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च हो सकती है. इफ द ऑर्डर वाज असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑन कस्टमर्स लास्ट नेम, हाउ वुड द सर्च फॉर शहाब अली ऑन द ऑर्डर लिस्ट कंपेयर विद द सर्च ऑन द अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें अगर हम किसी एलिमेंट को या किसी नेम को सर्च करते हैं तो क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखें और ऑर्डर्ड लिस्ट को, तो इफ शहाब अली वाज इन द लिस्ट, एक ये क्वेश्चन है, देन इफ शहाब अली वाज नॉट इन द लिस्ट, या तो लिस्ट में होगा या नहीं होगा. ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमारे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि इफ शहाब अली वाज इन द लिस्ट, या सेकंड ये भी हो सकता है इफ शहाब अली वाज नॉट इन द लिस्ट. सिमिलरली हम ऑर्डर और वन ऑर्डर्ड का, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का कंपैरिजन करें, तो लेट्स से मोहम्मद वकास के बारे में हम अगर ऑर्डर्ड में और अनऑर्डर्ड में कोई क्यूरी करें, तो इफ मोहम्मद वकास इन द लिस्ट, और सेकंड ये भी हो सकता है कि इफ मोहम्मद वकास वाज नॉट इन द लिस्ट, हम पूरी लिस्ट में सर्च करेंगे तो हमें या तो मिलेगा उसका नाम सर्च करेंगे तो लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. तो ऑर्डर्ड में क्या है, इफ मोहम्मद वकास वाज इन द लिस्ट, एंड
सेकंड क्या है, इफ मोहम्मद वकास वाज नॉट इन द लिस्ट। अब इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखते हैं। द सर्च इज फास्टर ऑन द ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी सर्च जो है वो फास्ट होगी। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द लिस्ट हैज टू फर्स्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर द ऑर्डर्ड सर्च। तो डेफिनेटली जब हम ऑर्डर सर्च करने जा रहे होंगे तो हम लिस्ट को पहले ऑर्डर्ड फॉर्म में करेंगे, देन उसके ऊपर ऑर्डर्ड जो उसका एल्गोरिदम है वो अप्लाई करेंगे। कंक्लूजन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ दीज एल्गोरिदम इज रफली द सेम। हमसे हम एक किसी भी एरे में लिस्ट में ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड फॉर्म में अगर सर्च करते हैं तो उसमें एफिशिएंसी रफली सेम ही होगी। सो इफ वी नीड अ फास्टर सर्च वी नीड ए कंप्लीटली डिफरेंट एल्गोरिदम। तो यहां पे हमारे पास जो सर्च जो एफिशिएंसी है वो सेम है चूंकि, तो हमें कोई ऐसा एल्गोरिदम देखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी फास्टर हो, ज्यादा फास्ट हो। तो हाउ एल्स कुड वी सर्च एन ऑर्डर्ड फाइल, तो हम ऑर्डर्ड फाइल को फिर और कौन सा वे हो सकता है कि हम उसको सर्च कर सकें। हमारे पास एक और सोल्यूशन है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हमने किस तरीके से वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करते हुए जाते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है बाइनरी सर्च कि सिक्वेंशियल सर्च इज इजी टू राइट एंड एफिशिएंट फॉर शॉर्ट लिस्ट बट ए डिजास्टर फॉर लॉन्ग वन। अब अगर हम सिक्वेंशियल सर्च करते हैं, अगर हमारी लिस्ट शॉर्ट है फिर तो हम लीनियर करते हैं, उसमें ऑर्डर्ड में है अनऑर्डर्ड में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सर्च कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास लिस्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है देन डेफिनेटली हम उसको सिक्वेंशली सर्च करते करते हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वेरी लॉन्ग अगर लिस्ट है तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें जो दूसरा सोल्यूशन मिलता है वो है बाइनरी सर्च का। इमेजिन ट्राइंग टू फाइंड द नेम अहमद ताहिर इन ए लार्ज टेलीफोन बुक बाय रीडिंग वन नेम एट ए टाइम स्टार्टिंग एट द फ्रंट ऑफ द बुक। तो लेट्स से कोई एक नेम है अहमद ताहिर, हम उसको सर्च करना चाहें किसी एक टेलीफोन डायरेक्टरी में, और हम स्टार्ट से सर्च करना शुरू करें और पूरी डायरेक्टरी में उसको सर्च करें, तो डेफिनेटली एक मुश्किल हेक्टिक टास्क होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। टू फाइंड एन एनी एंट्री इन ए लॉन्ग लिस्ट देर आर फार मोर एफिशिएंट मेथड्स। तो डिफरेंट मेथड इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं प्रोवाइडेड दैट द की इन द लिस्ट आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन टू ऑर्डर। तो ये है कि वो किसी एक ऑर्डर में हो तो हम उसके अंदर सर्चिंग कर सकते हैं। इफ वी हैव एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है वी कैन यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी। अगर हमारे पास एक लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं तो उसमें हम बाइनरी सर्च जो है वो की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। द बाइनरी सर्च gets its name because the algorithm continually divides the list into two parts. अब binary search क्या करती है कि long list को दो parts में divide करके search को easy बना देती है, fast बना लेती है। अगर उसको हम linear search से करेंगे तो बहुत time consuming होगी, binary search जो है वो इस काम को easy कर देती है। बाइनरी सर्च इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिदम व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू लीनियर सर्च। तो डेफिनेटली जैसे हमने बात की तो उसको दो हाफ में डिवाइड कर देती है एंड फिर हम किसी एक हाफ में सर्च करते हैं, तो अगर हमारी लॉन्ग लिस्ट है देन वो हाफ होगी एंड देन फर्दर हाफ हो जाएगी, तो इस तरीके से हम उसके अंदर सर्च करना आसान हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च टेक्निक सर्च डाटा इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होंगे वो भी मिनिमम होंगे। लीनियर सर्च में
हर एलिमेंट एटलीस्ट वन टाइम विजिट होगा, बट बाइनरी सर्च में कंपैरिजन मिनिमम हो जाएंगे कि अगर हमने लिस्ट को हाफ में डिवाइड किया देन हमारे हाफ एलिमेंट उसमें से कंपैरिजन में से निकल जाएंगे, तो बाकी जो सेकंड हाफ है उसमें हम उसको सर्च करेंगे और फर्दर ये हम उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे. फर्स्ट कंपेयर द टारगेट की विद वन इन द सेंटर ऑफ द लिस्ट एंड देन रिस्ट्रिक्ट आवर अटेंशन टू ओनली द फर्स्ट और सेकंड हाफ ऑफ द लिस्ट. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम उसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसका हम मिडल में एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो हम फिर उसको देख लेते हैं या तो वो फर्स्ट हाफ में वैल्यू होगी या सेकंड हाफ में, डिपेंडिंग ऑन वेदर द टारगेट की कम्स बिफोर और आफ्टर द सेंट्रल वन. तो हमारी जो वो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी आया वो लेफ्ट हाफ पे है या राइट हाफ पे. विद वन कंपैरिजन ऑफ की वी दस रिड्यूस द लिस्ट टू हाफ इट्स ओरिजिनल साइज. इस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप में जो की को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उस की के अगेंस्ट या तो वो राइट हाफ पे होगी या लेफ्ट हाफ पे. तो हमारी जो लिस्ट है या एरे है वो साइज में हाफ हो जाती है. कंटिन्यूइंग इन दिस वे एट ईच स्टेप वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी सर्च्ड बाय हाफ. तो हम इस तरह हाफ हाफ सर्च को करते हुए सारी लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं. इन ओनली 20 स्टेप्स दिस मेथड विल लोकेट एनी रिक्वेस्टेड की इन ए लिस्ट कंटेनिंग मोर देन ए मिलियन एलिमेंट्स. अगर हमारे पास मिलियन एलिमेंट्स हों या मोर देन मिलियन एलिमेंट्स हों तो हम 20 स्टेप्स में उसको हाफ में करते करते हम ओनली 20 स्टेप्स में उनको किसी भी की एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं. दिस अप्रोच ऑफ कोर्स रिक्वायर्स दैट द एलिमेंट इन द लिस्ट ऑलरेडी बी इन कंप्लीटली ऑर्डर्ड. अब डेफिनेटली जब हम लिस्ट को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं कि एलिमेंट लेफ्ट साइड पे वाले पार्ट में हो सकता है राइट साइड वाले पार्ट में, तो हमारी जो लिस्ट है या जो एरे है उसको कंप्लीटली ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. बिकॉज अनऑर्डर्ड में होंगे तो मे बी हम जिस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं मे बी उसमें वो एलिमेंट हो, तो इस तरह ये सर्च सक्सेसफुल नहीं होगी. सो बाइनरी सर्च की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास लिस्ट जो है एरे जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. सपोज वी हैव ए सॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स देन अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स टू सर्च एन एलिमेंट्स. फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द मिडल एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट इज एन बाई टू इज द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे. हम किसी भी एरे का मिडल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो उसका फुल साइज है कंप्लीट एरे का साइज उसको टू पे डिवाइड करके हम उसका मिडल फाइंड कर सकते हैं. और दी सब एरे कंटेन्स एन एलिमेंट्स. सेकेंड स्टेप क्या है, कंपेयर द मिडल एलिमेंट विद द डेटा टू बी सर्च्ड. देन देयर आर फॉलोइंग थ्री केसेस. हम डेटा को किस तरह सर्च करेंगे, इसके तीन केसेस क्या हैं, ए बी सी. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इफ इट इज ए डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च इज सक्सेसफुल. हम उसका मिड फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू को देखेंगे, अगर वो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है देन हमारी सर्च वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी. बिकॉज हमारा टारगेट था उसको फाइंड करना, हमने उसको फाइंड कर लिया. इफ इट इज लेस देन डिजायर्ड डाटा देन सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे. अगर वो मिड से लेस वैल्यू है तो वो फर्स्ट हाफ में होगी, अगर मिड से ज्यादा वैल्यू है तो वो सेकेंड हाफ में होगी. तो द एलिमेंट विच कम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिडल एलिमेंट, अगर वो स्मॉलर वैल्यू है सो वो लेफ्ट हाफ पे होगी. थर्ड स्टेप क्या है, इफ इट इज ग्रेटर देन द डिजायर्ड डेटा देन सर्च ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे.
that is the elements which comes to the right side of the middle element. तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं जब हम किसी भी एरे को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में ऑर्डर्ड एरे को तो मिड फाइंड करते हैं. अगर तो हमारी मिड वैल्यू ही है जो हमारी टारगेट वैल्यू है तो हम उसको गेट कर लेंगे, हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी. अगर मिड से लेस देन वैल्यू है तो हम फर्स्ट हाफ को लेके चलेंगे और उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें एग्जिस्ट कर रही होगी. और थर्ड केस क्या है कि वो अगर ग्रेटर देन द मिड वैल्यू है तो वो राइट हाफ पे जो वैल्यूज हैं उनमें हम उसको सर्च करेंगे तो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा. रिपीट द सेम स्टेप अनटिल एन एलिमेंट इज फाउंड और एग्जॉस्ट द सर्च एरिया. तो हम ये सारी जो सर्च है उसके लेफ्ट या राइट हाफ पे है तो उसमें सर्च करते जाएंगे तो जब तक हमें एलिमेंट उसमें मिल नहीं जाता तब तक हम उसको सर्च करते रहेंगे. या मे बी ये पॉसिबल है कि उस लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो तो हम सब एलिमेंट्स को सर्च कर लेंगे टिल लास्ट एलिमेंट और फिर हम उसमें डिस्प्ले करेंगे कि हमारी सर्च सक्सेसफुल हुई है या अनसक्सेसफुल. ओके, अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स फॉर बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च के एक एल्गोरिदम पे हम बात करते हैं कि इसके एल्गोरिदम के क्या स्टेप्स हैं. लेट ए बी एन एरे ऑफ एन एलिमेंट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन. डाटा इज एन एलिमेंट टू बी सर्च्ड. ओके, जिस डाटा को हमने सर्च करना है वो हमारा डाटा एलिमेंट है. मिड डिनोट्स द मिड लोकेशन ऑफ द सेगमेंट और एरे और सब एरे of the element of A, LB and UB is the lower and upper bound of the array which is under consideration. तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हम किस तरीके से एक एरे को उस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हमारे पास ये कंप्लीट एरे है, इसकी मिड वैल्यू हम जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है अपर बाउंड और लोअर बाउंड के ऊपर उन दोनों को हम ऐड करके टू पे डिवाइड करके उसकी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं. तो अगर हम मिड के बाद सर्च इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे अगर हमारी वैल्यू लेस देन द मिड वैल्यू है और अगर ग्रेटर देन द मिड वैल्यू है फिर हम उसके सेकेंड हाफ में सर्च करेंगे. अब हम उसके एल्गोरिदम स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा. Input an array A of n elements and data to be searched. तो हम n elements को लेंगे और फिर वो जो data जिसको हमने उस list में search करना है. Lower bound हमारे पास 0 होगा start में, upper bound n होगा. इसका mid क्या है? Integer value हम get करेंगे. Lower bound plus upper bound divided by 2. Okay, third step में क्या है? Repeat step 4, 5 and 6 while लोअर बाउंड इज लेस देन आर इक्वल टू अपर बाउंड. तो हम इस कंडीशन को एक चेक करेंगे कि जो लोअर बाउंड है जब तक लेस देन आर इक्वल टू अपर बाउंड है उस टाइम तक ये लूप चलता रहे. एंड ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू डाटा. तो अगर हमारा ए ऑफ मिड इक्वल टू डाटा है तो भी हमें डाटा मिल जाएगा और अगर ये भी हमारी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती तो भी हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा. तो जब तक हम डाटा नहीं मिल जाता और लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेस देन और इक्वल टू हैं देन हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि इफ डाटा इज लेस देन ए ऑफ मिड. अगर हमारा डाटा ए ऑफ मिड से लेस देन है, हमने मिड वैल्यू फाइंड की लेस देन है तो हम जो लेस लेफ्ट हाफ है उसमें वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी. तो अपर बाउंड क्या है? इज इक्वल टू मिड माइनस वन. एल्स अदरवाइज अगर हमारे पास इस तरफ है तो हम अपर बाउंड अब चेंज कर लेंगे तो मिड से एक वैल्यू पीछे हमारा अपर बाउंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अदरवाइज वो फिर राइट हाफ पे होगा देन फिर हमारा लोअर बाउंड वो चेंज हो जाएगा, वो मिड प्लस वन एक वैल्यू आगे चला जाएगा. मिड हम किस तरह फाइंड करेंगे?
lower bound plus upper bound divided by 2. सेवन स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब हमारे ये 4, 5 और 6 स्टेप इन कंडीशन पे बेस करते हुए रन होते रहेंगे. मिड पे अगर डाटा नहीं मिलता तब तक चलता रहेगा, या लोअर बाउंड जब तक अपर बाउंड के से लेस देन या इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा. देन 7 पे क्या है, इफ ए ऑफ बिड इक्वल टू डाटा, ओके ये पॉसिबिलिटी भी है कि मिड पे हमें वैल्यू मिल जाए, देन हम डिस्प्ले कर देंगे डाटा इज फाउंड, अदरवाइज हम कह देंगे एल्स में डाटा नॉट फाउंड. ओके हमने इस एल्गोरिथम में देखा कि किस तरीके से हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं मिड फाइंड करते हुए, लेफ्ट हाफ पे होगा या राइट हाफ पे होगा. तो इस तरीके से हम कोई भी लिस्ट है एरे है उसमें लेस टाइम में एज कंपेयर टू लीनियर सर्च कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च किस तरीके से वर्क करता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके तो हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट एलिमेंट है वो हमने ब्लू कलर में दिया है कि ये हमारा टारगेट डाटा है. इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, कितने स्टेप्स के बाद फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि ऑलवेज लुक एट द सेंटर वैल्यू. हम इस सेंटर वैल्यू को फोकस करेंगे, मिड के एलिमेंट लेफ्ट पे होगा राइट पे होगा या मिड पे हो सकता है. ईच टाइम यू गेट टू डिस्कार्ड हाफ ऑफ द रिमेनिंग लिस्ट. तो इज दिस फास्ट, बिकॉज फास्ट है कि हम जो पार्ट जिसपे वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, कोई ट्रेवर्सिंग नहीं करेंगे, तो हमारा वो टाइम बचता जाएगा. अब हम देखेंगे हमारा मिड इसका ये आ रहा है, हमारा टारगेट एलिमेंट ये है, सो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा. अब हमारे पास जो ये पार्ट है वो रह जाएगा. अब इसका जो हम मिड फाइंड करेंगे वो ये आ जाएगा. अगेन ये हमारा टारगेट एलिमेंट या टारगेट वैल्यू नहीं है, हम फिर इस पे आ जाएंगे. अब ये वाला पार्ट है इस पे करेंगे हम, फिर अगेन इसके ऊपर हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, ये टारगेट डाटा नहीं है, देन लास्ट पे हमारे पास रिक्वायर्ड टारगेट डाटा जो है वो हमें मिल जाएगा. हाउ फास्ट इज ए बाइनरी सर्च, अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च कितना फास्ट काम करता है. वर्स्ट केस में 11 आइटम्स इन दिस लिस्ट टुक 4 ट्राइज, हमने 11 आइटम की लिस्ट है उसको बाइनरी सर्च के थ्रू मिड पे डिवाइड करके उनकी वैल्यूज को किया, तो हमें 4 ट्राइज में उसका सॉल्यूशन मिल गया. हाउ अबाउट द वर्स्ट केस फॉर द लिस्ट विद 32 आइटम्स, अब अगर हम 11 आइटम्स में 4 ट्राइज में कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 32 आइटम्स हो तो उसमें हाफ ऑफ लिस्ट किस तरह डिवाइड होंगी या कितनी ट्राइज होंगी. तो 32 आइटम्स, तो फर्स्ट ट्राई लिस्ट हैज 16 आइटम्स, सेकंड ट्राई लिस्ट हैज 8 आइटम, बिकॉज हाफ ऑफ में डिवाइड होता जा रहा है ना, कि 32 है देन 16 है देन इसको डिवाइड करेगा 8 देन 4 आइटम्स देन 2 आइटम्स एंड देन फिफ्थ ट्राई में 1 आइटम रह जाएगा. ओके नाउ हम ओवरऑल इसको मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ देखते हैं कि किस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करेगा. लिस्ट हैज 250 आइटम, अगर 250 आइटम्स है देन हम उसको 2 पे डिवाइड करते जाएं, 125 होंगे, फर्दर 2 पे डिवाइड किया 63 होंगे, फर्दर 2 पे डिवाइड किया 32, फर्दर 2 पे डिवाइड किया 16, 8, 4, 2 एंड 1. तो हमारे पास 250 आइटम्स हो तो हम 8 ट्राइज में बाइनरी सर्च कर लेंगे. लेकिन अगर लीनियर के सर्च में, लीनियर सर्च के केस में अगर हम देखें तो हमारे कितने होंगे, 250 लीनियर है, 250 ट्राइज ही होंगी, 250 टाइम सर्च होगा वो. सिमिलरली हम अगर अब थोड़े से 512 आइटम्स को देखें तो उसमें कितनी ट्राइज हो सकती हैं, ओके डिवाइडेड बाय 2 करें तो 256 आइटम्स होंगे, देन 2 पे डिवाइड करें 128, 64, 32, 16,
8, 4, 2 and 1 item. So, इसमें हमारे पास 9 tries हैं. So, 5 and 2 items हों तो 9 tries में होगा item search. 250 items हों तो हमें 8 tries में ये item search होगा. अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको एक pattern नजर आ रहा होगा कि अगर 11 है तो उसमें 4 tries थी, 32 हैं तो 5 tries थी, अगर 250 इसमें 8 tries थी, अगर 512 तो 9 tries थी. तो आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि अगर 32 हैं तो हमारे पास 5 tries, इट मींस 2 पावर 5 की कंबिनेशन बन रहा है. इसी तरीके से 512 हैं तो इसमें हमारे पास जितनी tries हैं वो 2 की पावर 9 में रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर 11 है तो 2 पावर 4 tries होंगी, और अगर 250 है तो 2 पावर 8 tries होंगी. ए वेरी फास्ट एल्गोरिथम, आप देख सकते हैं कि ये बहुत फास्ट और क्विक काम कर रहा है. हाउ लॉन्ग वर्स्ट केस विल इट टेक टू फाइंड एन आइटम इन ए लिस्ट ऑफ 30,000 आइटम. अब हम पैटर्न हमने देखा, अगर हम हमारे पास 30,000 आइटम है उसमें हमने किसी एलिमेंट को सर्च करना है थ्रू बाइनरी सर्च, तो हम किस तरह करेंगे. हमारे पास अगर हम 2 पावर 10 को देखें तो हमारे पास 1024 वैल्यू आ जाएगी. अगर इसकी 11 करें तो हमारी 2048 आइटम्स होंगे. 2 पावर 12 में 4096 होंगे. इसी तरीके से 13, 14 में 16,000 एंड 15 में हम देखें तो 32,768. इट मींस अगर हमारे पास किसी लिस्ट में 30,000 आइटम्स हैं तो वो 2 पावर 15 में कवर हो जाएंगे. तो 15 ट्राइज में हम 30,000 आइटम्स को सर्च कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट ये काम करेगा. अगर इसी को हम लीनियर के थ्रू करें, 30,000 लीनियर टाइम सर्च करें तो कितना टाइम कंज्यूम होगा. अब हम इसकी एफिशिएंसी के हवाले से बात करते हैं कि इसकी क्या एफिशिएंसी, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लॉग टू एन एफिशिएंसी बाइनरी सर्च दे रहा है बिकॉज आफ्टर 1 बाइसेक्शन ये एन बाई 2 आइटम्स हमें देता है, आफ्टर 2 बाइसेक्शन फिर एन बाई 4 हो जाता है. अगर उसको हम देखें तो वो एन बाई 2 पावर 2 आइटम्स होंगे. अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें तो आफ्टर आई बाइसेक्शन एन बाय 2 आई विच इज इक्वल टू 1, तो इसको हम देखें कि आई इज इक्वल टू लॉग 2 ऑफ एन. तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो लॉग 2 एन है. वी से दैट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम रन्स इन लॉग 2 एन टाइम, और सम टाइम इसको हम लॉग एन टाइम भी इसी लिख सकते हैं. log n means the log to the base 2 of some value of n. So 8 is equal to 2 power 3, then log agar hum 8 ka lein which is equal to 3. Isi tarike se 16 is equal to 2 power 4, to agar 16 ka 4 lein log of 16 which is equal to 6. Log 16 which is equal to 4. There are no algorithms that run faster than log n time. अब हम एक example कहते हैं कि किस तरीके से binary search उसके ऊपर apply होगा. Suppose we have an array of 7 elements. हमारे पास 0 index पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 elements की एक array है. तो 0 index पे हमारे पास 9 पड़ा हुआ है, इस पर 10 वैल्यू है, 25, 30, 40, 45 एंड 70 एलिमेंट की जो एरे है. तो हमने इसको बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई करना है. फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरेटेड इफ वी बाइनरी सर्च ए डाटा विच इज इक्वल टू 45. अब हम इस 45 को लेट से सर्च करना चाह रहे हैं इस एरे के अंदर, तो हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे. स्टेप नंबर 1, लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम इसमें डिफाइन कर देंगे. ओके, हमारा पहला एलिमेंट
लोअर बाउंड पे है, लास्ट अपर बाउंड पे है, तो LB जो हमारे पास है वो 0, अपर बाउंड 6 है. मिड का फार्मूला था लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 6 व्हिच इज 6, एंड इसको 2 पे डिवाइड करें हमें 3 की वैल्यू मिलेगी. अगर हम a ऑफ मिड व्हिच इज इक्वल टू a ऑफ 3, तो अगर हम a ऑफ 3 देखें तो a ऑफ 3 पे 30 पड़ा हुआ है, ये मिड वैल्यू आई है 30, तो हमारा रिक्वायर्ड जो था वो 45 है. सो ये हमें वैल्यू नहीं मिली. अब 30 से ग्रेटर वैल्यू हमने देखनी है, तो इस तरफ लेस देन 30 है, इधर ग्रेटर देन 30 है, तो 45 चूंकि ग्रेटर देन है सो हम इस पार्ट को सर्च करेंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे बाइनरी सर्च में, इसको हम तो सर्च नहीं करेंगे. सो ये पार्ट हमारा इग्नोर रहेगा. स्टेप टू में हम क्या करेंगे, एफ थ्री इज लेस देन डाटा दैट इज 30 इज लेस देन 45, री इनिशलाइज द वेरिएबल लोअर बाउंड और अपर बाउंड एंड मिड. तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी लोअर बाउंड और अपर बाउंड की. तो लोअर बाउंड में हम मिड प्लस 1 कर देंगे बिकॉज राइट साइड पे है, तो हमारा मिड प्लस 1 हो जाएगा. अब हमारे पास जो 4 है मिड प्लस 1, ये अब ये लोअर बाउंड पे 4 है, अपर बाउंड पे हमारे पास 6 वैल्यू है. अब 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे विच इज इक्वल टू 5. अब 5 पे हम देखेंगे ए ऑफ मिड 5, 5 पे 45 पड़ा हुआ है, हम देख सकते हैं 45, और हमारा ये रिक्वायर्ड जो डाटा है वो 45 है. अब अगेन हम फिर चेक करेंगे कि ए ऑफ 5 इज इक्वल टू डाटा दैट इज 45 इज इक्वल टू 45, देन सर्च इज सक्सेसफुल. तो इस तरीके से हमने इस एलिमेंट को 45 को थ्रू बाइनरी सर्च फाइंड कर लिया. ये हमने छोटी सी एक एरे लेके उस पर बाइनरी सर्च को अप्लाई किया सो दैट हम इसको अंडरस्टैंड कर सके कि बाइनरी सर्च किस तरह अप्लाई होती है. समरी ऑफ द लेक्चर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सर्चिंग को पढ़ा, सर्चिंग क्या है, हम किसी भी उसमें लिस्ट ऑफ आइटम में किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं. एक्सटर्नल और इंटरनल सर्चिंग हम कर सकते हैं. फिर हमने डिफरेंट टाइप देखी सर्चिंग की, एक लीनियर और सिक्वेंशियल सर्च होती है, दूसरी हमारी बाइनरी सर्च होती है. लीनियर सर्च में हर एलिमेंट वन बाय वन सर्च होता है, अगर लिस्ट जो है लॉन्ग हो जाती है देन हमारे लिए उसमें सर्च करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी बन जाता है. बाइनरी सर्च हमारे पास क्या है कि बाइनरी सर्च में हम लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से जहां क्योंकि ये इसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, तो जिस तरफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं. अगर मिड के राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट साइड वाली जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उसमें हम सर्च नहीं करते, तो हमारा टाइम उस वहाँ पे सेफ हो जाता है, एंड देन राइट साइड पे हम सर्चिंग करते हैं. और इसी तरीके से ये बार बार इसको डिवाइड करते हुए हम जो रिक्वायर्ड टारगेट जो एलिमेंट है उस तक पहुंच जाते हैं. टारगेट एलिमेंट या तो मिड पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है, या लेफ्ट पे हो सकता है. ये तीन केसेस हमने देखे थे. हमने लीनियर सर्च के एल्गोरिदम को भी देखा, हमने बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम को भी देखा, और उसकी एफिशिएंसी देखी कि बाइनरी सर्च जो है फास्टेस्ट एल्गोरिदम है लीनियर सर्च के मुकाबले में, बहुत अच्छी एफिशिएंसी देता है. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.